और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्री अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि ढांसा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन से नजफगढ़ सेक्शन के लिए हरी झंडी दिखाकर पहली ट्रेन रवाना करें। ढांसा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन पर हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने के लिए। टीवी स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दो अलग अलग जगहों से एक खास जगह जिसका नाम ढांसा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन है और ये पहली ट्रेन अभी अभी रवाना हुई। औपचारिक उद्घाटन ऐतिहासिक घड़ी नजफगढ़ और ढांसा के आसपास के लोगों के लिए बहुत ही शानदार घड़ी जिसे दिल्ली मेट्रो कभी भूलना नहीं चाहेगा। और मैं आपको सूचित कर दूं कि यात्रियों के लिए इस नए सेक्शन पर आज ये बाहरी दिल्ली के लिए खासकर नजफगढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद खुशी का पल है। अभी तक दिल्ली मेट्रो का ये जो रूट था ये दिल्ली गेट तक जाके ख़त्म हो जाती थी। आसपास के लगभग 50 ऐसे गांव हैं जहां से रोज लोग दिल्ली काम करने के लिए आते हैं। उन लोगों को नजफगढ़ में जो फिरनी चौक है, फिरनी रोड है, वो क्रॉस करके दिल्ली गेट आना पड़ता था। उसकी वजह से वहाँ इतना बुरा ट्रैफिक जैम लगता था फिरनी चौक के ऊपर। अब ये ढांसा बस स्टैंड बन जाने की वजह से लोगों को ये चौक क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो जो डेली का बस, हालांकि रूट 1.25 किलोमीटर का ही है, लेकिन ये इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका कि लोगों को वो चौक क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लोग रोज़ जो दिल्ली आते हैं वो ढांसा बस स्टैंड से ही मेट्रो ले सकते हैं और दिल्ली आ सकते हैं। तो लगभग 50 के करीब गांव के लोग ऐसे हैं जिन लोगों को इसका फ़ायदा होगा। वह जैसे अरविंद जी ने कहा, दुर्गा शंकर जी ने उससे पहले कहा कि दिस मीट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एंड इट आल्सो इन सम रिस्पेक्ट्स चेंजेस द कैरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो बिकॉज देन इट हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग आउटरीच एंड मोबिलिटी टू दोज पार्ट्स ऑफ द आउटलाइंग रूरल एरियाज एंड विलेजेस एंड आई एम पर्टिकुलरली हैप्पी फॉर दिस। सो आई वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट एवरी वन। जो दिल्ली मेट्रो की का इतिहास देखें, जिसको आप उसकी जर्नी बताते हैं, इट हैज इन एवरी रिस्पेक्ट बीन अ ट्रेल ब्लेजर फॉर द मेट्रो सिस्टम इन इंडिया। पर मैं बधाई इसलिए भी देना चाहूंगा कि महामारी के पहले आपकी राइडरशिप शायद एक दिन में 65 लाख हो गई थी, 65 लाख राइडर्स इन अ डे, एंड आई थिंक द टोटल राइडरशिप इन द कंट्री 85 लाख, आउट ऑफ विच 65 लाख अ डे वॉज अकाउंटेड फॉर बाय दिल्ली मेट्रो अलोन। वी आर गोइंग टू क्रॉस मैनी माइलस्टोन्स। Today, we have perhaps 740 kilometers or so metro lines operating throughout the country. This is steadily scheduled to rise, and we have all the various steps throughout the country planned out. It will be over 900 kilometers, I think, by 22. So, 900 kilometer metro stretch desh bhar mein is, I think, an achievement in itself. But what we forget is we have another 1,000 kilometers under construction. So you are looking at a total 2,000 kilometers of metro lines spread throughout the country, providing much needed urban transport, which is particularly important in the urban experience of India. Because let's face it, this is not intended as criticism. Most of our urban metropolitan areas have experienced what is called autonomous urbanization. Some of them are planned as greenfield areas, but very few. But we have had to deal with the situation as it has evolved
over 75 years of our existence and then tried to provide a solution, and that solution is working.